नमस्कार साथियों, अभी हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया है। सितंबर महीने को जो है वो पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में टू द पॉइंट देखने वाले हैं, जो कि आपके जीके प्री एवं मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। ये देखते हैं, गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से 31 अगस्त को 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया है। देखिए, देश भर में पोषण संबंधी जागरूकता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम में जो केंद्रीय एवं बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात सरकार की जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं भानु बेन बावरिया और कई भारत सरकार और गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जनगणमान व्यक्ति उपस्थित रहे। राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन 1 से 30 सितंबर 2024 तक किया जाना है। 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 एनीमिया विकास निगरानी पूरक आहार पोषण भी पढ़ाई भी बेहतर शासन के लिए प्रौद्योगिकी और एक पेड़ माह के नाम विषयों पर केंद्रित रहेगा। प्रधानमंत्री के सुपोषित भारत के विजन को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री जी ने कहा है, पोषण माह एक राष्ट्रव्यापी उत्सव बन रहा है जो जन आंदोलन का रूप ले रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपने पोषण मिशन 2.0 के माध्यम से देश भर में बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। महीने भर चलने वाले इस अभियान का जो उद्देश्य है, कुपोषण से निपटने के प्रयासों में और तेजी लाना तथा देश भर में समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय पोषण माह की पहली बार जो शुरुआत हुई थी वो 1 सितंबर 2018 को हुई थी। 1982 से हर साल 1 से 7 सितंबर तक जो है वो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। जी हाँ, यदि बात करें हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की तो वो 1982 से मनाया जा रहा है, हर साल 1 से 7 सितंबर के बीच। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।